टेस्ट के चक्कर में हम हमेशा से अनहेल्दी खा ही लेते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो टेस्टी तो बहुत ही ज्यादा है, साथ साथ में हेल्दी भी है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, वो काफी ज्यादा इजिली अवेलेबल है और काफी ज्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए जल्दी से इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 केला। और एक बात का ध्यान रखें, केला बहुत ही ज्यादा पका हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो केले के छिलके जो काले पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा गल जाते हैं, उस केले का इस्तेमाल हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए नहीं करना है। अब एक केला हम लेंगे, इसे छीलकर इस तरह से पीसेस में हम इसे काट लेते हैं। आप ये एक एक पीसेस की थिकनेस जो है वो देख सकते हैं, थोड़ी सी हम इसे थीक ही रखेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने काट लिया है, और यहाँ पर एक जो केला इसे अभी हम साइड में रखते हैं, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब केला को हम इस तरह से थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, ताकि हम इसमें जब पीनट बटर लगाएं तो आसानी हो लगाने में। तो यहाँ पर मैंने लिया है पीनट बटर, जो कि होममेड है और काफी ज्यादा हेल्दी होता है। तो इसे हम लेकर इसके ऊपर केले के एक पीस के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, और इसके ऊपर से हम एक और केला का जो पीस है उसे डाल देंगे। यानी कि अगर आप बोले तो इसे हम एक सैंडविच की तरह बना लेते हैं, जैसे ब्रेड में हम लगाते हैं पीनट बटर या जैम और एक ब्रेड डाल देते हैं, उसी तरह का बिल्कुल हमें करना है। और सारे केले को हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, सभी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिनिमम हम इसे 20 मिनट के लिए या 20 से 30 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, जब तक वो सेट होता है। यहाँ पर मिक्सी जार में वो जो केला हमने बचा के रखा था उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो इसे हम जैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पीसना ही है। तो केला जो है वो काफी ज्यादा हेल्दी होता है, नेचुरल स्वीटनर है। तो यहाँ पर मैंने केला जो है डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे गाढ़ी दही। दही जो है बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। ये घर की जमी हुई दही है, 2 चम्मच डाल दी मैंने, खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पीनट बटर 1/2 चम्मच डालेंगे, जो वो भी जो है वो होममेड है। तो तीनों को अब हम क्या करेंगे, एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे तीनों से। तो यहाँ पर स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया, कटोरी में हम इसे डाल देते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं छोटे छोटे चंक्स जो है वो दिख रहे हैं, वो केले के चंक्स हैं। तो इस तरह से केले के चंक्स अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो सारी प्रिपरेशन हो गई है, सभी चीज मैंने यहाँ पर रख लिया है। और सर्विंग ग्लास में हम इस तरह से डालेंगे ये केले, दही और पीनट बटर का जो हमने मिक्सर तैयार किया था उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा ही डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, लेयरिंग करेंगे अभी हम। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो डालेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर आलमंड लिया है, काजू लिए हैं, किशमिश लिए हैं, ये सब हम डाल देते हैं। आलमंड और काजू को मैंने ड्राई रोस्ट करके चॉप किया, छोटे छोटे पीसेस में काटा है। तो लाल चेरी, रेड चेरी भी मैंने डाल दिया। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, पीनट बटर डाल देंगे थोड़ी सी। तो इस तरह से हम इसे लेयर करेंगे। और यहाँ पर नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट जो है उसे थोड़ा सा डाल देते हैं, जो कि इजली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब हम इस केले के सैंडविच को डाल देंगे जो हमने बनाकर तैयार किया। तो एक जो सैंडविच है केले का वो इस तरह से हम डालते हैं, इसके ऊपर से फिर से हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर से केले, दही और पीनट बटर का जो मिक्सचर हमने पीस कर तैयार किया था उसे डालेंगे। तो यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने फिर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, अगेन वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से नारियल का बुरादा डालेंगे। तो ये जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, और अगर आप इसे खाने के बाद मतलब आप इसे बोल ही नहीं सकते कि इसमें चीनी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने फिर से पीनट बटर जो है वो डाल दिया है, और फिर से हम लेयरिंग कर देते हैं इसे इस मिक्सचर से। तो प्रोसेस को हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर जितने सारे जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जैसे कि यहाँ पर पीनट बटर का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। होममेड जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि मार्केट वाले आजकल जो आ रहे हैं ना उसमें बहुत कुछ मिला दिया जाता है टेस्ट के चक्कर में। तो पीनट बटर के फायदे बहुत सारे, ये अनप्रोसेस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, रिच सोर्स है ये प्रोटीन का, और वेजिटेरियन के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स है एक प्रोटीन का। कार्ब्स में ये लो है, और हेल्दी फैट्स की मात्रा इसमें पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट में नीचे है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं।
और फीलिंग भी बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर आप दही की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर है, डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बनाना की आप बात करें, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, नेचुरल स्वीटनर तो है ही, फाइबर में रिच है, एंटीऑक्सीडेंट में रिच है, ठीक है, और ये एक लो कैलोरी फूड है, फीलिंग है, तो काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है इन सब के। तो यहाँ पर हम जितने सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किए, सभी के सभी काफी ज्यादा हेल्दी है। और चीनी का तो हम यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बिना चीनी डाले ही ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो सारे केले के सैंडविच को इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे ऊपर से हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जितने सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब इस तरह से हम डाल देते हैं। तो ये रेसिपी जो है काफी ज्यादा इजी है इसे बनाना, साथ साथ में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी भी है। तो अगर आप इसी तरह के और ढेर सारी रेसिपीज देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो, उसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूले, सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। तो ये लीजिए, ये शुगर फ्री, टेस्टी और हेल्दी फ्रूट डिलाइट जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसे बनाना देखा ना आपने कितना आसान है, तो देख के आ रहे हैं, जल्दी से आप भी इसे एक बार घर पे जरूर से ट्राई करें, और कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ,